हाय फ्रेंड्स, सबको हैप्पी दिवाली। आज मेरा घर का थोड़ा सा होम टूर आपको दिखाऊंगा। ये हमारा स्ट्रीट है विशाखापट्टनम में। ये नीचे सेलर है। हम लोग सभी तो दीवा जलाते हैं तेल डाल के दिवाली का। इस बार थोड़ा पटाखा भी फोड़ा था, पिछले साल लाया था वो नहीं हो पाया था बारिश के चलते। इस बार वो भी पूरा फोड़ेगा। थोड़ा छोटा सा होम टूर का वीडियो है, कैसे सेलिब्रेशन किया करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेशन किया करके मैं आशा करता हूँ। लास्ट ईयर भी मैं अपलोड किया था, आप लोग का सभी का सपोर्ट की वजह से मेरा 13,000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर हुआ है। खाली ओला स्कूटर का मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसी के चलते मेरा 13,000 सब्सक्राइबर मिला। ये सारे क्रेडिट आप लोग को जाता है, मेरे वीडियोस को पसंद करता है, इसी वजह से मैं बनाते रहा। तुलसी जो पेड़ है सभी तो पूजा करता है, घर में कृष्ण भगवान का स्टैचू है। ये जो अमेजन से लिया था उस टाइम 20,000 था, ये 3 साल पहले लिया हुआ है। 18 किलो वेट है इसका, पूरा ब्रास का है। सामने बालाजी का फोटो है, बड़ा फोटो है। मैं बालाजी मंदिर भी गया तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। स्टार्टिंग था, लास्ट ईयर अपलोड किया था। ये हमारा पूजा मंदिर है। भगवान का फोटो से फाइनली फैमिली है, थोड़ा ट्रैकर्स चला रहे, उसके बाद में फुलझड़िया। पुलिस ने लेकिन अभी सभी तो बंद करने से होगा, नहीं तो लड़का भी अकेला है, एक लड़का तो ऐसे वो आपको सबको पता है डिसेबल है। कम से कम इसका भी थोड़ा मन ठीक हो जाएगा बोल के ज़्यादा ने कुछ पटाखा उठाखा पुड़वाया था उससे। इस साल वो 10th क्लास में है। आप लोग भी नीचे कैसे कमेंट करना, कैसे मनाया। काफ़ी आदमी पूछ रहा था मो इसका सर जो सिग्नेचर कैसे करना है। ये कल से मतलब फॉर्म मिलेगा, यदि मेरे को मिलेगा तो मैं आपको इंटीमेट करूँगा। अभी तक कुछ उसके बारे में कोई मतलब मैसेज नहीं है, इसीलिए मैं किसी को कभी बहुत आदमी पूछ रहा था, मैं किसी को अपडेट नहीं दिया। 25 तारीख को देगा करके बोल रहा, जैसे लिंक आएगा कुछ भी आएगा मैं आप पक्का मेरा ट्विटर अकाउंट में शेयर करूँगा। मेरा बड़ा लड़का है, आप लोग जानते हैं। ये घूमने वाला है, उसके बाद पूछ रहा था फेवरेट एसरीज का जो डायमंड कंपनी का, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। ये 4,000 में सारे आता है, उसमें आपको 2,000 में काली एक पिलियन पुट्रेस्ट आएगी, वो भी अगले साल देगा बोल रहे। इस साल देने से ठीक था, डिजाइन अच्छा किया लेकिन इस साल अवेलेबिलिटी होने से अच्छा है, लेकिन गार्ड का भी होना चाहिए था, फिर गार्ड भी नहीं दिया। मैं विथ फोल्ड वाला विदाउट फोल्ड वाला दोनों मेरे चैनल में मिल जाएगा। मेरे को तो यही अच्छा लगा, आप लोग के लिए मैं उसको परचेज करके एक बार दिखाऊँगा। वैसे तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये दोनों साइड मिल जाते हैं, छोटा बच्चे कभी दो दो बैठते हैं तो। ये खुद का दिया हुआ है और अमनोल जो लगाया वो बच्चे बैठने के लिए अच्छा रहता है, जब ज़रूरत है तो फोल्ड कर सकते हैं। इसका भी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और गार्ड भी मिल जाता है तो अच्छा लगा काफ़ी।
कुछ जो तेलुगु सब्सक्राइबर्स है तेलुगु में वीडियो करने के लिए बोल रहे हैं, मैं उनके लिए कल एक वीडियो लेके आऊँगा तेलुगु में। मैं पहले करता था तेलुगु में, व्यूज़ कम आदमी कोई देखता नहीं बोल के मैं नहीं किया। हिंदी में तो काफ़ी आदमी देखता है, सबका यूज हो जाता करके। ये बहुत देर तक चला, ये वीडियो में बना रहा हूँ नोट 10 प्लस से। मेरे सारे जो वीडियोस है नोट 20 अल्ट्रा से बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इसका कैमरा है, ज़बरदस्त। इसका नाइट में भी हो डे में भी हो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है। ये स्लो मोशन में बनाया था, वोला S1 Air काफ़ी आदमी बुकिंग किया हुआ है। अभी समय है, ये 2 महीना मान के चलिए, अगला और 4 महीना 6 महीना वेटिंग मिलेगा। अच्छा गाड़ी, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी 80,000 के आसपास में बेस्ट तो यही स्कूटर है। क्योंकि इसमें टेस्ट स्क्रीन के साथ में अभी तक मार्केट में कोई भी स्कूटर नहीं है, नॉर्मली कुछ भी नहीं दिखता है। एक क्रूज़ कंट्रोल है, नहीं तो एक ऐसे कुछ बूट स्पेस में लाइट दे देते हैं कुछ स्कूटर में, उसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है। ओडोमीटर सही से काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं है उसमें। उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया स्कूटर है, आपको स्पीकर मिलेगा, नेविगेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अपडेट्स मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। और वेट भी अच्छा रखा, 100 किलो है एक्चुअल। आप लोग देखा होगा तो यहाँ पे बहुत कंपनी है, नाम नहीं लेना, उनका 70 kg वेट होता है। अब बूट स्पेस नहीं मिलता है इसमें, तो 34 लीटर्स का बूट स्पेस दिया। डिजाइनिंग काफ़ी सोच समझ के किया है, पक्का चॉइस है। मैं भी एक सोच रहा हूँ लेने के लिए, एक्चुअल में बुक करने वाला था। अभी बुलेट भी ऐसे मतलब चला नहीं पाता, इसका वाला ही 10,000 किलोमीटर इसमें चलाया। देखते लड़का थोड़ा कॉलेज जाने लायक हो गया तो मैं ले लेता था, उसको देता था। देखते हैं आगे जाके लेना तो लेऊंगा। कलर्स के बारे में पूछ रहा था काफ़ी आदमी, जो हमारा S1 S1 Pro में जो कलर्स मिले वही कलर्स है। ये ड्यूल टोन कलर का साथ में दे रहा है, अच्छा है। हम लोग जैसा मॉडिफाई कराते हैं ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ड्यूल टोन कलर का साथ दे रहा है। कोई भी कलर चेंजेस नहीं, वही कलर यूज़ करेगा। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में चिंता नहीं करना, EV स्कूटर में कौन सी कोई भी स्कूटर इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। एक चातक का है मेटल बॉडी के साथ में, तो वाला का भी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। और ज़्यादा मेटल रखेगा तो ऑलरेडी 125 किलो का S1 Pro का वेट है, फिर आपको पूरा मेटल अप्लाई करेगा तो 135 किलो था और माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। कुछ पटाखा था, ये घर का सामने वाला भी चला रहा था। और काफ़ी आदमी S1 का जो रेंज कम आ रहा करके शिकायत कर रहे हैं, आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर है। यदि रियल में कम आता है तो आपको एक बार रिबूट करके हफ्ता में एक बार पूरा दोबारा चार्ज करिए। रेंज अच्छा मिल जाता है, मेरा खुद ही चला रहा हूँ, 90 तक मिल जाता है आपको। मैं डबल्स का साथ रेंज टेस्ट भी किया हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा आगे जाके। मेरे को 65-70 तक मिला है, 65 तक मिला, लेकिन 25 किलोमीटर कुछ बच गया था। काफ़ी है, हम लोग वेट भी ज़्यादा है, 170 किलो के वेट के साथ में इतना रेंज मिल गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिल्कुल चलाने का एक अलग तरीका होता है, उसी हिसाब से आप चलाएगा तो आपको रेंज अच्छा मिल जाएगा। चलिए, बहुत प्यार दिया आप लोग, आपका प्यार के वजह से, आपका सपोर्ट की वजह से ये कंटेंट के ऊपर अभी तक यूट्यूब पर कोई भी इतना सब्सक्राइब को गेन नहीं किया मेरे को मिला। मैं रियली लकी हूँ, आप लोग का सपोर्ट इस तरह मिलता रहेगा तो आगे भी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करना कैसे सेलिब्रेशन किया। ओला स्कूटर के संबंध में काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल मिल जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब।